अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टॉक है मोबाइल फ़ोन के पैनल्स का। इसके अंदर मोबाइल फ़ोन के पैनल्स हैं, एलसीडीज़ हैं, टच वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के हैं, तकरीबन ये पूरा बॉक्स है। ये देखें कि बिल्कुल फ्रेश स्टॉक है। ठीक है, और ये काफ़ी सारा है। इसके अंदर महंगे महंगे पैनल हैं, बहुत महंगे महंगे पैनल भी हैं। ठीक है, मुझे अब ये कंफर्म नहीं है किस मॉडल के हैं। ये अगर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई, यानी कि मोबाइल फ़ोन एसेसरीज वाले हैं ना, उनके काम, उनको पता चल जाएगा हाँ भाई ये क्या चीज़ है, किस टाइप का स्टॉक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, ये चीज़ है, काफ़ी सारा है। मैं सारे आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इसमें ये मैट 7 के हैं। ठीक है, ये दो हैं। अब ये देखें, ये दो हैं मैट 7 के हैं, और ठीक है। अच्छा, ये नोट 8, मैट 8, सॉरी मैट 8 का है। ठीक है, वो मैट 7 है और ये मैट 8 है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, ये देखें। ठीक है, आ रहा है आपको। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया मैट 8 का। किसके ऊपर मॉडल नंबर लिखे हुए हैं, किसी के ऊपर मॉडल नंबर नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। जैसे ये है, अब ये जो है ना पूरी हाउसिंग के साथ है, ऊपर की जो हाउसिंग होती है उसके साथ है। अब ये मुझे पता नहीं है कौन से मॉडल का है, ये देखें, क्योंकि सैमसंग वगैरह का है, किसी और मोबाइल का मुझे कन्फर्म नहीं है। या आप देख सकते हैं कौन सा मॉडल का है, और उसके अलावा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मॉडल नंबर मेंशन नहीं है इसके ऊपर। ये देखिए ना, पूरी हाउसिंग के साथ है, बेहतरीन माशाल्लाह। तमाम चीज़ें इसके साथ मेंशन है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये है टच। अब ये कौन से मॉडल की है ये भी मुझे नहीं पता। काफ़ी सारे उसके ऊपर मॉडल नहीं, लेकिन जो मोबाइल वगैरह का काम करते हैं ना, उनको पता है। ये मेरे ख्याल से सैमसंग S3 की है शायद, सैमसंग S3 की है, मे बी, कंफर्म नहीं है मुझे, आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये काफ़ी सारे स्टॉक है मेरे पास, काफ़ी सारे पैनल्स हैं, प्रोडक्टर टच हैं, सॉरी इसको मैं तरतीब से रखता, ख़राब ना हो। हाँ, बहुत नाजुक चीज़ होती है। अच्छा, ये देखें, ये भी कोई टच है, कौन सा मॉडल का ये मुझे कन्फर्म नहीं है, ये रखें। अच्छा, इसके अलावा ये है S4, सैमसंग S4 का है, देखिए ना, ये देखें। अच्छा, ये पूरी हाउसिंग के साथ है, पैनल वगैरह सब कुछ इसका साथ है, सैमसंग S4। ये मॉडल भी बहुत अच्छा मॉडल था जब आया था ना, मैंने ख़ुद यूज़ किया था, इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा अंदाज़ा है। सैमसंग S4, ठीक है। अच्छा जी, हो गया, ये रखें। और ये है P9। P9 कौन सा है मुझे ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये P9 का है, हुआवे P9 का है मेरे ख्याल से, हुआवे का है शायद, शायद को भी रख देता हूँ मैं। ये दो हैं मेरे पास। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारा स्टॉक है। वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप लोगों को पता चल जाए इसमें। अब जैसे मेरे पास एक ये है पैनल भी रखा हुआ है, ये देखें, ये है मेरे ख्याल से सैमसंग S8 प्लस का है शायद। ठीक है, अब ये देखें, अब ये पूरा हाउसिंग के साथ है, ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का आपको मिलता है मार्केट में, कम्प्लीटली हाउसिंग वगैरह सब कुछ के साथ है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, बिल्कुल फ्रेश। इसका शॉपर का, इसको बबल रैप कर दें, वो दूसरा वाला जो सैमसंग S4 का है ना, उससे उसका निकाल के, हाँ इसको कर दें, हाँ ये ठीक है ऐसे, हाँ इसको बबल रैप कर दें ताकि ख़राब ना हो। अच्छा, ये है, इसके ऊपर भी नहीं मेंशन, इसके अंदर दो हैं, एक इसके अंदर ये है, ठीक है, और इसके अंदर एक और एक ये है। इसी तरीके से एक और पैनल है, ये भी हाउसिंग के साथ है कंप्लीट। अब ये देखिए, इसके ऊपर मेंशन है तकरीबन, क्वालिटी चेक वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ये है, प्लीज़ टेस्ट बिफोर इंस्टॉलिंग, क्वालिटी चेक पास है, यानी कि क्वालिटी चेक से इसका क्लियर है, बिल्कुल ओके पैनल है ये। अब ये मॉडल कौन सा है ये मुझे कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना,
इस तरीके से ये रखें। अच्छा इसके अलावा ये है, अच्छा ये थोड़ा सा नहीं क्लियर है, ये इसके ऊपर ये जो लगाना ना मेरे, ये मेरे ख्याल से 6 बल्कि 7 का है, ये iPhone 7 का, लेकिन ये थोड़ा सा रफ है, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट न्यू है, 99% न्यू पैनल है। अब ये देखें, ये भी न्यू है, ये मैं सारे नहीं खोल रहा, बस आपको एक करके दिखाता जा रहा हूँ। अब ये है इसके अंदर iPhone 5, ये देखें ये तमाम चीज़ें इसके साथ दी हैं iPhone 5 का, ये हाउसिंग के साथ है तकरीबन, पैनल वगैरह ये वो सब कुछ, यानी कि आपको कुछ भी चेंज इसके साथ, बटन वगैरह भी है, एयर पीस वगैरह भी है, सब कुछ के साथ है ये, आपको कुछ और नहीं चेंज करना पड़ेगा इसको। ये देखें, अच्छा जी ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी सारा स्टॉक है। ये है मैट 9, ये सारे मैट 9 के हैं, पैनल है पूरे, ठीक है। और ये है कुछ 6X, सारे 6X के हैं, वाइट में भी हैं, ब्लैक में भी हैं, 6XS के हैं, मैं एक खोल के दिखा देता हूँ आपको। अभी 6X कौन सा मॉडल है ये मुझे कन्फर्म नहीं है, तो पैनल बहुत हैवी है माशाल्लाह। अब ये चीज़ देखिए ना, ये कर्व है यहाँ से, जो इसकी साइडिस है, एजिस है ना, एजिस है ये, एजिस के अंदर है, ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं, ये हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 ये हैं। और इसके अलावा ये है P20 Lite, ये है P20 Lite के 1 2 3 4 5, ये P20 Lite के हैं, ब्लैक में भी हैं और वाइट में भी हैं, एक खोल के दिखा देता हूँ ना मैं आपको P20 Lite, ये देखें ये हुआवे का है मेरे ख्याल से, P20 Lite का पैनल है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह, P20 Lite, वावे P20 Lite, एक वाइट में है, बाकी तकरीबन जो है 4 जो है वो ब्लैक में है और एक वाइट में है। ये इसके अलावा ये है Mate 9, दिखाया मैंने आपको, ये टच है, ये भी टच है। अब ये पैनल है, ये पैनल है, ये लिखा हुआ है भाई, ये कस्टमर बिकॉज ऑफ वायरस द मार्केट इज चाइना नॉट ओपन फॉर बिजनेस सो वी कैन परचेज गिफ्ट फॉर यू, आई एम वेरी सॉरी वी विल सेंड यू स्क्रीन फर्स्ट बिकॉज दिस इज वेरी गुड। अच्छा ये वो लिखा हुआ है कि कोरोना की वजह से जो है ना मैंने आपको गिफ्ट नहीं भिजवाया, सिर्फ आपको ये स्क्रीन भिजवा रहा हूँ, उसके बाद जो है हम आपको गिफ्ट भी भिजवा देंगे। ये भी मेरे ख्याल से सैमसंग S3 S4 का है मेरे ख्याल से, ठीक है, इसके साथ लेटर वगैरह भी है, सब कुछ इसके साथ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये है J120, ये पता नहीं कौन सा J120। अच्छा ये इसके अंदर, अच्छा Honor 7X, 7X के टचेस हैं और ये हैं तकरीबन 6-7 है, Honor 7X, ठीक है, हाँ वो सैमसंग S3 S4 का है मेरे ख्याल से, ये देखें। अच्छा इसके ऊपर मॉडल नंबर मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से, कौन सा ही है मुझे भी कन्फर्म, ये सैमसंग का है, ये भी सैमसंग का है, ये टच है, अच्छा जी। और ये है Mate 10 Lite, ये है Mate 10 Lite, ये भी मेरे ख्याल से वही है, Mate 10 Lite, ये सारे 5 है Mate 10 Lite के, ये कोई टच है, ठीक है ये रखें। अच्छा जी उसके बाद आते हैं ये पैनल्स, ये पता नहीं किस किस मॉडल्स के हैं मुझे नहीं कन्फर्म, ये भी रख दें, ठीक है। ये एक और है सर्विस पैक है कुछ, अब ये देखें, ये भी कोई ज़बरदस्त पैनल है, लेकिन कौन से मोबाइल का ये मुझे कन्फर्म नहीं, ये मेरे ख्याल से Hot 8 का तो नहीं है, ये Hot 8 का लग रहा है मुझे, इस तरह का इसका नॉच है ना डिस्प्ले पे, जो नॉच बना हुआ, लेकिन इसके नीचे मॉडल तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर,
नहीं है मेरे ख्याल से कोई उस टाइप का है, मुझे नहीं कंफर्म किसी चीज़ का, आप लोग देख लीजिएगा, जिसको ज़रूरत हो उसे वो रब्ता कर सकता है। ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, पूरा बॉक्स आपको एक साथ मिलेगा, सिंगल आइटम वाला हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है कौन से मॉडल का है, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि कोई एक साथ ही पूरा परचेस कर ले, उसके फ़ायदे में आ जाएगा, वो फिर अपने हिसाब से मार्केट में सेल आउट कर दे जैसे जिसको जिसकी ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे इसके मॉडल ही कन्फर्म नहीं है ना कौन सा। ये वैसे सैमसंग का है, ये सैमसंग का है, सैमसंग का कौन सा है ये मुझे पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा सैमसंग का कौन सा मॉडल है जो कि इस तरह का है। और ये है टच सेल, मुझे पता नहीं है कौन सा मॉडल है, सारे टच हैं, ये भी टच हैं, ये देखिएगा ये भी टच हैं, और इसके अंदर तकरीबन 10-12 टच हैं, सैमसंग 10 सैमसंग के हैं, ये मेरे ख्याल से कोई और है। अच्छा ये है, ये कोई टैबलेट का है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो इस तरीके से देख लें आप लोग, ये टैबलेट का है, अब पूरा खोलना वो मुनासिब नहीं है, ठीक है, चलें।